एक अल्पसंख्यक आयोग में 1992 से अल्पसंख्यक समुदाय के सरदार परविंदर सिंह जी, जिनकी दुकान यहां जल गई थी किसी कारणवश, वो न्याय के लिए अल्पसंख्यक आयोग में आए थे। वहां अल्पसंख्यक आयोग से ये डायरेक्शन हुई, जिला का एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर सुनवाई में आया और वहां ये तय हुआ कि अल्पसंख्यक आयोग खुद वहां जाएगा और जाकर जगह का निरीक्षण करेगा। मैं बेहद खुशी के साथ ये बता रहा हूं आज आपको कि कुल्लू जिले के प्रशासन के साथ और सरदार कुलविंदर सिंह जी के साथ, परविंदर सिंह जी के साथ, आज हमने दोनों जगह का मुआयना करा, जहां उनका नुकसान हुआ था उस जगह, और जिला प्रशासन ने जो उनको अल्टरनेट जगह देने की बात करी उस जगह पर हम गए और आज सरदार परविंदर सिंह को न्याय मिल गया है। सरदार परविंदर सिंह जी को वहां पर 9 दुकानें जली थी, 9 में से 8 को मुआवजा या अल्टरनेट जगह मिल गई थी। अल्पसंख्यक समुदाय के सरदार परविंदर सिंह अभी न्याय से वंचित थे, अल्पसंख्यक आयोग के हस्तक्षेप के बाद आज उनको न्याय मिल गया है। दोनों पार्टियां, जिला प्रशासन तथा परविंदर सिंह जी की सहमति के साथ ये तय हो गया है कि उनको दूसरी जगह दी जा रही है, जिसका हस्तांतरण 60 दिन के भीतर भीतर सरदार परविंदर सिंह जी को कर दिया जाएगा। दूसरे, हमने यहां पर जो जिले की समीक्षा करी, उस समीक्षा में ये पाया कि यहां पर अल्पसंख्यक आबादी बहुत कम है, 3.51% बौद्ध है, 0.67% मुस्लिम है, 0.31% सिख है, 0.18% ईसाई है और 0.02% जैन समुदाय है। कुल आबादी लगभग 20,000 के करीब है, उसके बावजूद भी यहाँ पर सबका समुदाय को तरक्की और बराबरी का अधिकार बराबरी के साथ मिल रहा है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार वास्तविक रूप से डबल इंजन की तरह काम कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपने को, सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास को साकार कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को कुछ परविंदर जी की बात कर रहे हैं आप जी, तो इनको न्याय मिलने में 30 साल लगे, अपना वक्त क्यों लगाए? देखिए, न्याय तो मिल गया है ना जी, हमने न्याय दे दिया, जिन्होंने नहीं दिया था न्याय उनसे सवाल होना चाहिए। ये बात हमारे पास, 1 साल पहले उनका केस आया है आयोग में,